हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका मोबाइल का जो केस कवर नहीं है, आपका जो मोबाइल कवर है, जो ट्रांसपेरेंसी कवर, वो येलो हो चुका है और आप सोच रहे हैं कैसे हम उसको ठीक करें। हाँ फ्रेंड, आप इजीली उसको ठीक कर सकते हैं। और किस लिए, यानी उसका कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है आपका जो मोबाइल कवर वो येलो? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल से ए टू जेड बताने वाला हूँ कि आपका जो मोबाइल कवर है, यानी ट्रांसपेरेंसी मोबाइल कवर है, वो व्हाइट से येलो क्यों बन जाता है और आप इससे आप कैसे रिड्यूस करें, यानी आप उसको कैसे फिर से येलो से व्हाइट बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान, यानी आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपना जो कवर है येलो कवर को व्हाइट बनाना चाहते हैं, वो कैसे करें, किस तरह से करें, मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक देखेंगे तभी आप जो ट्रांसपेरेंट कवर है उसको आप व्हाइट बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो मोबाइल है, यानी आपका मोबाइल जो है, आप कौन सा प्लेस में यूज करते हैं उसका मैटर जरूर है। यानी आप आपका मोबाइल किसी रेडिएशन जगह पे, जैसे कि आप धूप में यूज करते हैं, तो धूप जो है उसका रेडिएशन कैच कर लेता है और आपका मोबाइल का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको खत्म कर देता है और उसको येलो यानी पीला कलर में चेंजेस कर देता है। और एक बात, आपका मोबाइल जो है कभी कभी ऐसा होता है जो हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, उसी गर्म के कारण आपका जो मोबाइल है आप यूज करते हैं और उसका जो पूरा हीट यानी रेडिएशन है वो आपका जो ट्रांसपेरेंसी कवर है उसमें इफेक्टेड होता है और वो जो कवर है आपका वो येलो में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और भी बहुत कुछ कारण है, जैसे कि हम लोग कभी जंक फूड खाते हैं उस हिसाब से उसको पकड़ते हैं, इसलिए उसका स्क्रैचेस और दाग लग जाता है। और जैसे कि किसी भी जगह पे हम मोबाइल को रखते हैं, यानी यूजेस करते हैं, किसी भी जो गंदा जगह है, किसी भी आप हम यानी एक ही हाथ से हम काम करते हैं फिर मोबाइल को पकड़ते हैं केसेस से, इसी कारण से भी हो सकता है। तो मैं आज आपको और भी एक टॉपिक बताऊंगी कि कैसे इसका जो रेडिएशन यानी आपका जो कवर है येलो बनता है, इसके प्रोसेस में आप देख पाएंगे किसी धूप जगह पे, खुला जगह पे और धूप जगह पे किसी पॉलीमर यानी प्लास्टिक का कोई चीज, यानी उसका अगर आप कम से कम एक महीना या डेढ़ महीना के लिए रख देंगे तो उसका जो कवर है वो उसमें चेंजेस हो जाएगा, यानी उसका जो रेडिएशन के थ्रू जो होता है उसके लिए उसका चेंज हो गया। जो कलर है आपका जो यानी केसेस कवर है वो चेंज के कुछ कारण होता है, वो क्या है? सबसे पहले आपका होता है रेडिएशन, रेडिएशन के बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके बाद थर्मल, उसके बाद होता है फोटो ऑक्सीडेशन पॉलीमर मटेरियल्स। तो इसी आपका छह कारण के लिए आपका जो ट्रांसपेरेंसी कवर है वो येलो में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि इसको अभी आप सोच रहेंगे कि आप कैसे इसको येलो से व्हाइट बनाएं। जी फ्रेंड, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपका मोबाइल केसेस में इस छह अगर कारण से आपका मोबाइल येलो होता है तो आप उस कवर को रिडायरेक्शन करके व्हाइट नहीं बना सकते। मगर हाँ, मैं भी कुछ तरह से मेरा मोबाइल कवर है उसको मैं बहुत सारा ट्राई किया, जैसे कि उसको मैं गर्म पानी में डुबा कर उसको नमक से डाला, उसके बाद आपका एसिड से धोया, और एक बात उसको मैं पेप्सोडेंट है यानी कोलगेट से उससे भी धोया, मगर कोई फायदा नहीं है उसको। मैं शायद आपका कवर जो है थोड़ा क्लीन हो जाएगा, मगर आपका जो येलो का सिस्टम से यानी येलो जो बन चुका है उसका हटाएंगे तो आप हटा नहीं पाएंगे, ठीक है? अगर आप बार बार कोशिश करेंगे शायद बन सकता है, मगर मैं कोशिश किया, थोड़ा सा आपका येलो बन गया मगर इतना व्हाइट नहीं बना, ठीक है? तो कैसे आपका बनता है वो येलो और कैसे आप ठीक कर सकते हैं, मगर आपको मैं बताना चाहूँगी इसका जो येलो प्रोडक्शन है ये आपका जाता नहीं है, आपको एक नया ट्रांसपेरेंसी कवर खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है?
तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है, आप अगर वीडियो से हेल्पफुल होंगे, आपको अगर बहुत कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट्स कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो डाल देता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।